हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का वेलकम है एक और नए वीडियो में। गाइस, अब से व्लॉग आएंगे। गाइस, आप सपोर्ट ज़रूर करना हमें, और इस व्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखना। मेरे मामी सा मतलब मामा के बच्चे हुए हैं, मामा के बच्चे मतलब मामी सा को बच्चे हुए हैं, ट्विंस हुए हैं, बहुत साल बाद हुए, तो खुशी ही खुशी थी गाइस। बोलो को नहीं हेलो गाइस, बोले तो पचे। सीधा बात पे आती हूँ गाइस। बात क्या है ना, 7 दिन के बाद जो नहाया जाता है ना, जैसे कि बच्चे हो गए 7 दिन के बाद नहाना है, वो वाली चीज। मम्मा को 7 दिन के बाद नहलाया जाता है, बच्चे होने के बाद। उसका जो पूजा पाठन था उसी का कार्यक्रम था यहाँ पे। और आप लोगों में भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप लोगों को पसंद आ ही रहा होगा। अगर आप राजस्थान से हो तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जगह ऐसे ही होता है। एक बात बताने जा रही हूँ मेरी YouTube की जनता को, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। और हाँ, इस पूजा को रखने का कारण ये भी होता होगा, शायद भगवान को थैंक यू बोलने का तरीका है ये। यहाँ पे सूरज पूजन खत्म होता है गाइस, इसके बाद बच्चों को लेके माँ घूमती है, मतलब चारों ओर, जैसे कि शादी में घूमते हैं ना, मतलब पति को लेके वैसे घूमते हैं। सॉरी गाइस, मुझे नहीं समझ आया कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, इसलिए ऐसा ही बोल दिया। चलो ठीक है, आप लोगों को इसको, इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? अगले वीडियो में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे मुझे बोला गया है कि बच्चों को ले लो आप, और अंदर लेके चलते हैं माँ और बेटे को, क्योंकि यहाँ पे हो गया सारा खत्म और गोद भराई समथिंग कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा बच्चा को एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्यूट क्यूट से बच्चे है गाइस, ट्विंस, मतलब जिनका किस्मत अच्छी होती है ना उनका ट्विंस होता है। और अब रिवील होगा क्यूट से बच्चों का चेहरा। आप लोग देख के कमेंट करके जरूर बताना इनका नाम क्या रखना चाहिए, ठीक है? दोनों बॉयज है, आप लोग नाम रख देना कमेंट में जरूर, है ना, भूलना मत। सरोज इजमो खा रहे हैं और होरज पूंजने का, और इनका भी जल्दी से बेबी हो जाए। हड़बड़ी में मम्मा सरोज इजमो खा रहे थोड़ा सा मुंह मीठा करने के बाद हम लोग लग पड़े काम पे गाइस। आप लोग देख ही सकते हो, बहुत सारा काम था हमें। मीठा मेड़ो मीठो काम के बीच बीच में बच्चों के साथ खेलने जा रही थी गाइस। बच्चे तो मेरे कहना ही नहीं मान रहे थे, मतलब मैं बुला रही थी और वो पीछे पीछे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब बच्चे ना इतने शरारती हो गए आज। फिर रोटी वगैरह बनाई, रोटी खाई गाइस। और ये जो थे ये मेरे मामी सा के पीवर से आए थे, तो मेरे से मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल के। और ये सारे जो आदमी लोग थे वो थे, और इस बच्चे को कैसे खिलाया था हमने, ये देख लो आप। सरोज कैच, सरोज कैच,
इस थोड़ी सी मस्ती के बाद हम फिर से चल पड़ते हैं वही माहौल में जहाँ पे इकट्ठे हुए थे सारे मेहमान, मतलब ये सारे के सारे मेरी फैमिली है गाइस, आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी इतनी बड़ी फैमिली है मेरी। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, मैं जानती तो सबको हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं जानती हूँ, मतलब किसको देखा है किसी को नहीं देखा है तो ऐसा ही होता है गाइस। परिवार में कितने लोग आते हैं, सबको जानते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन भी तो रहता है। फिर यहाँ पे संगीत हो रहा था, आप सुन लो गाइस। बस गाइस जो पीहर और ससुराल से इकट्ठे हुए थे कपड़े, उनको एक कपड़े में बांध के हम लेके चल पड़े अंदर। आप लोग देख ही सकते हो मैंने उठाया है, मतलब इतना स्टैमिना है मेरे में बस मैं जोक कर रही थी गाइस। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ऐसी ब्लॉग्स के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए।